गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। तो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे क्या लिखा है। 5 आपका है, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी अडल्ट हार्ट बीट 72 टाइम इन अ मिनट, हाउ मेनी टाइम डज इट बीट इन हाफ ऑफ द डे। ओके, तो मतलब पूरे बताना है आपको कि 1 मिनट में आपकी 72 टाइम हार्ट बीट करती है। हार्ट बीट है जो वो चलती है आपके 72 टाइम। ठीक है, हार्ट आपका बीट करता है 72 टाइम। तो आपको बताना है कि हाफ डे में हार्ट हमारा कितने टाइम्स बीट करेगा। ओके, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ डे में कितने मिनट होते हैं आपके। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वन डे होता है वो कितना होता है आपका। तो यहाँ पर आप लिख देती हूँ मैं, आपका जो वन डे इज इक्वल्स टू होता है वो आपका क्या होता है, 24 आवर। ओके, क्या होता है, 24 आवर होता है। तो जब आपको हाफ डे करना है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया आपका, 12 आवर हो गया। कितना हो गया, 12 आवर हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। ओके, 60 मिनट होता है। तो आपका अगर हम 12 आवर में निकालेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा आपका, 60 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, तो आपका जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 720 मिनट्स। क्या हो जाएगा, 720 मिनट्स आपके हो जाएंगे कितने में, हाफ डे में। ओके, तो आपको बताना है कि 1 मिनट में आपकी 72 टाइम्स बीट होती है, तो आपकी 720 मिनट में कितने टाइम्स बीट होगी। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 72 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 72 को, 720 को आप 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ बीट्स इन हाफ डे में फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को, तो 6 आपका लिखा, ईच ऑफ 25 वुमेन गेव रुपीज 75 ऑन सब्सक्रिप्शन, बाय पुटिंग दिस सब्सक्रिप्शन टुगेदर इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 15 फ्लड अफेक्टेड पीपल, हाउ मेनी रुपीज डिड ईच गेट। ओके, लिखा हुआ है कि जो 25 वुमेन है वो 75 रुपीज़ देती है। मतलब 1 वुमेन है जो वो क्या देती है, 75 रुपये देती है। ठीक है, तो आपकी 25 वुमेन कितना देंगी आपको पहले ये फाइंड करना होगा। तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 75 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 से। ओके, तो 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 7 5 35 प्लस 2 37। ओके, फिर 5 2 10 7 2 14 प्लस 1 15। ओके, तो आपका नंबर आ जाएगा 5 7 8 1। इतने रुपए आपके आ जाएंगे। ओके, 1875। अब आप ये याद रखेंगे 1875 आपके रुपए टोटल हो चुके हैं। तो आप 15 पीपल में इसको बांटना है तो एक पीपल को कितना रुपए मिलेगा। ओके, तो आप बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें दोनों ही चीज़ें यूज़ की गई हैं, 1875 था, दोनों ही चीज़ें यूज़ की गई हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों ही यूज़ किया गया। तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 15 1 15 3 आया यहाँ पर, फिर आपने ये नीचे किया तो 15 2 30। ओके, देन यहाँ पर आपका क्या बचा, 7। ओके, एंड 5, या आप नीचे लिख के रहा 5, तो 15 5 जा आपका क्या हो गया, 15 5 जा आपका क्या हो गया, 75। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका जो नंबर आया वो क्या आया आपका, 725 रुपीज़ ईच गेट। ओके, सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो फ्लड में जो फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को, हर पर्सन को 125 रुपीज़ मिले हैं। ओके, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, पुनीत बॉट अ
packet of 125 apples. He kept inside 5 apples from the packet. He distributed the remaining apple equally among his 15 friends. How many apples were given to each friend? ओके तो यहाँ पर लिखा है कि टोटल जो पैकेट है एप्पल्स के 125 है, ठीक है, उनमें से एंड लिखा है ही कैप्ट इनसाइड 5 एप्पल्स फ्रॉम द पैकेट. ओके ही रिसीव द रिमेनिंग एप्पल्स इक्वली अमंग हिज 15 फ्रेंड्स. ओके एक पैकेट लिया उसने, उसमें 125 एप्पल्स थे, ठीक है. फिर उसने क्या किया, 5 एप्पल्स निकाल के रख दिया अलग से. उसके बाद जो बचे हुए एप्पल्स थे वो अपने 15 फ्रेंड्स में बांटना चाहता है. तो ये बताना कि हर एक फ्रेंड को कितने एप्पल मिलेंगे. तो पहले तो आपको क्या करना होगा, टोटल कितने एप्पल थे 125, उसने कितने निकाल के रख दिए साइड में 5, तो कितना बचा आपका 120 एप्पल्स आपके बचे हैं. ओके अब आपको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 15 फ्रेंड्स में. तो 15 का आप किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे आप 120 को. तो 15 8 जा आपका क्या होता है 120. ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा कि हर एक पर्सन को 8 एप्पल मिलेगा. ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था. तो इसी तरीके से जिस सारे एक्सरसाइज आप होमवर्क में करके लाएंगे. ओके थैंक यू सो मच.